हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेघा और आज हम बात करने वाले हैं हिड इन लव के एपिसोड 7 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ जी जाशु को यान के कपड़े देकर पूछती है, आपने ड्रिंक की है तो क्या मैं आपके लिए हैंगओवर सूप ले आऊं? जाशु मना करके उसे सोने के लिए कहता है। तभी जी कहती है, इसमें टाल और बाकी सारा सामान है। वो ये कहकर भाग जाती है। जाशु सामान ले लेता है। जी जैसे ही बाहर निकलती है वो जाशु को बाहर बैठा देखती है। यहाँ जाशु को डॉक्टर की बातें याद आती है कि तुम्हारे फादर बेटर है बट अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं है। तभी जांगयिन का मैसेज आता है, अपनी ग्रेजुएशन की फोटो मुझे भेज दो। उसे और मैसेज करती है बट जाशु उसे अवॉइड करता है। तभी जी वहाँ आकर जाशु से पूछती है, आप क्यों जाग रहे हो? जाशु बहाना मारता है और उसे सोने को कहता है। जी पूछती है, आप अपसेट हो? जाशु मना करता है। जी कहती है, आप मुझे बता सकते हो? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पक्का? जाशु हंसता है। जी कहती है, अगर आपको बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ कंपनी दे सकती हूँ। वो उसके बगल में बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। जाशु भी हंसकर कहता है, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, मेरे बहुत सारे कर्जदार हैं। जी पूछती है, बहुत कर्जा है क्या? जाशु कहता है, पैसे कह सकती हो। जी पूछती है, कितने हैं? बहुत ज्यादा है क्या? जाशु कहता है, कैसे बताऊं? जी कहती है, डरो नहीं, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और खुद कमाऊंगी तो मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगी। मैं मजाक नहीं कर रही। जाशु उसके सर पे प्यार से हाथ रख कर कहता है, वो मेरा कर्जा नहीं है, तुम्हें चुकाने की कोई जरूरत नहीं। जब तुम कमाने लग जाओगी तुम अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लेना। जी अपने रूम में बैठकर सोचती है, वो टफ बनने की कितनी कोशिश कर रहा था, मैंने उन्हें ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वो एक पेपर पे विश लिखती है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं ताकि मैं जाशु का कर्जा चुका सकूं। वो उस पेपर को फोल्ड करके स्टार बनाकर उसी बॉटल में डालती है। यहाँ जाशु घर से निकलता है। जी उठकर बाहर देखती है, जाशु उसे बाय कहकर चला जाता है। जी उसे जाते हुए देखती है। वो जैसे ही अंदर आती है उसे जाशु का मैसेज आता है, मेरी मॉर्निंग की फ्लाइट है, मैं यही वापस जा रहा हूँ, अपने पेरेंट्स को मेरी तरफ से इन्फॉर्म कर देना और अच्छे से पढ़ना, अपना रिजल्ट मुझे अपडेट करते रहना। जी जाशु को मैसेज करती है, आप अपना प्रॉमिस मत भूलना जो आपने मुझे किया। जाशु सोचता है, गिफ्ट की बात करी है क्या ये? वो स्माइल करके चला जाता है। यहाँ जी क्लास 12th में आ जाती है। टीचर यहाँ स्कूल से कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सब बताता है। जी यहाँ यही की यूनिवर्सिटी के बारे में ढूंढ कर उसमें एडमिशन के बारे में सोचती है। वो पेपर पे लिखती है, जाशु मुझे मेरा ड्रीम मिल गया, मुझे यही जाना है। वो स्टार बनाकर पोर्टल में डालती है और यही की मोटिवेशन के लिए हर जगह पोस्टर लगाकर अपनी प्रिपरेशन करती है। जी हर रोज मेहनत करती है। जाशु का मैसेज आता है, 12th रैंक गुड, और अच्छा करना, गिफ्ट तुम्हें मिलने वाला है। जी गिफ्ट देखती है, धीरे धीरे उसकी रैंक इम्प्रूव होती जाती है। जाशु हर रैंक इम्प्रूवमेंट के साथ उसे गिफ्ट भेजता रहता है। जी खुश होकर सोचती है, मुझे और मेहनत करनी होगी ताकि मैं अपने ड्रीम को पूरा कर सकूं। यहाँ यान फोन पे बात करता है। जी को पता चलता है कि जाशु ने अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है। जी की खुशी एकदम से उड़ जाती है। यान बात करता है, उसकी गर्लफ्रेंड कैसी है, फोटो भेजो। वो बात खत्म करता है। जी यान से पूछती है, क्या जाशु ने गर्लफ्रेंड बना ली? यान कहता है, शायद, मैंने फई से सुना। वो मुंह बनाकर अपने रूम में जाकर जाशु को मैसेज पे पूछने का सोचती है कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड बना ली, बट जी सोचती है ये सब झूठ है, कहीं उन्होंने यान को झूठ तो नहीं बोला। उसे वो फ्लैशबैक याद आते हैं जब जाशु ने उसे कहा कि अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी तो मैं तुम्हें सबसे पहले बताऊंगा। जी कहती है, आपने प्रॉमिस किया था। वो उसे मैसेज नहीं भेजती और सोचती है, क्या उसे डायरेक्ट पूछ लूं? दूसरे ही दिन जी फ्लाइट लेकर यही अकेले पहुंचती है। तभी उसे यान का कॉल आता है कि तुम ट्यूशन क्लास क्यों नहीं गई, कहाँ हो तुम? जी कहती है, मैं यही हूँ। यान शॉक में पूछता है, तुम वहाँ क्यों चली गई? जी झूठ बोलकर कहती है, मेरे ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर ने मुझे यहाँ बुलाया है। यान पूछता है, कहाँ हो तुम? जी कहती है, एयरपोर्ट। यान कहता है, वहीं रुको, मैं जाशु को वहाँ भेजता हूँ। अगर तुम उस डेटिंग पार्टनर से मिलने गई तो तुम जब लौटोगी तो तुम देख लेना। यान जाशु को कॉल पे सब बता देता है। यहाँ जी के पास उसके पेरेंट्स का कॉल आता है। फादर चिंता होकर पूछते हैं, जी तुमने प्रॉमिस किया था ना? तभी मदर कहती है, इधर उधर तुम मत चले जाना, हमारी सेफ्टी प्रायोरिटी है। वो उसे प्यार से कहती है, भाई एयरपोर्ट पे रहना, अगर कोई परेशान करे तो पुलिस के पास चले जाना और जाशु वहाँ आ ही रहा होगा, और उससे अच्छे से बात करना, ओके?
तभी जाशु को कॉल आता है। वो जाशु को अपनी लोकेशन बताती है। जाशु फाइनली उसके सामने आ जाता है, बट उसके साथ एक लड़की भी होती है। उस लड़की को जाशु की गर्लफ्रेंड समझती है। वे शॉक हो जाती है, उसकी नजरें सिर्फ लड़की पे ही होती है। जाशु पास आकर कहता है, तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम अच्छे से पढ़ोगी ताकि किसी को तुम्हारी चिंता न हो, और तुम्हारा ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर तुम भूल गई जो मैंने तुम्हें कहा। सो अब तुम बड़ी हो गई हो ना, अकेले यहाँ आ गई। जी सोचती है, तुमने प्रॉमिस किया था कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी तो मुझे सबसे पहले बताओगे, तुमने अपना प्रॉमिस नहीं रखा। जाशु पूछता है, कुछ तो कहो। लड़की जाशु को शांत रहने को कहती है। जाशु अपना कोट उतारकर जी को उड़ाकर प्यार से कहता है, क्या उसने बुलाया, मिली तुम उससे? जी कहती है, उसे मैं नहीं पसंद, उसने कहा कि मैं बहुत छोटी हूँ। जाशु पूछता है, गया क्या वो? जी एग्री करती है। जाशु कहता है, तुमने ठीक किया, तुम बहुत छोटी हो, ऐसा करना ठीक नहीं। जी कहती है, मैं बड़ी होकर दिखाऊंगी अब। जाशु कहता है, तो हम तब तक वेट कर लेंगे। जी कहती है, जब तक मैं बड़ी होंगी उसे किसी और से प्यार हो जाएगा। जाशु कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें उससे बेहतर मिलेगा। जी सब सोचकर रोती है और उसे सॉरी कहकर कहती है, मैंने प्रॉब्लम कर दी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। जाशु कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वह जैसे ही टिश्यू पेपर देखता है, लड़की उसे टिश्यू पेपर दे देती है। जाशु जी को आंसू पोंछने के लिए कहकर कहता है, हमें तुम्हारी चिंता हुई, हम तो डरी गए कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, बट अब तुम्हें तुम्हारी गलती समझ आ गई ना, चलो बाथरूम में जाओ और फ्रेशन अप होकर आओ, हम खाने चलते हैं। जी कहती है, मुझे अब घर जाना है। जाशु कहता है, जाने से पहले कुछ तो खा लो। वो उसे आईडी कार्ड मांगता है ताकि वो उसकी फ्लाइट बुक कर सके। लड़की कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलूं क्या? जी मना करती है। जाशु फ्रेशन अप होने के लिए उसे कहता है। जी रोती है और चली जाती है। जाशु कहता है, छोटी लड़की अब बड़ी हो गई है, उसके भी आंखों में आंसू होते हैं। जी रोते हुए चली जाती है और साइड से लड़की और जाशु को बातें करते हुए देखकर फूट फूट कर रोती है। जब जी फ्रेशन अप होकर आती है, जाशु कहता है, तुमने कोट क्यों उतारा, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है क्या? तभी जी मना करके पूछती है, वो लेडी कहाँ गई? जाशु कहता है, उन्हें काम आ गया, वो चली गई। क्या मैंने तुम पे ज्यादा गुस्सा किया? जी कुछ नहीं कहती। जाशु कहता है, बच्चे तो भूल ही जाते हैं, और अब तुम मुझे स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करोगी क्योंकि मैं तुमसे कुछ दिनों से नहीं मिला, मेरा तो दिल ही टूट गया है। जी पूछती है, फ्लाइट टिकट कितने की है? जाशु कहता है, इतनी महंगी नहीं है, हमारे पास टाइम है, चलो हम लंच पे चलते हैं। जाशु उसे अपने साथ ले जाता है और उसे खाने को देता है। जाशु खांसता है। जी पूछती है, बीमार हो क्या? जाशु कहता है, नहीं ये बस कोल्ड है, मैं ठीक हूँ, तुम खाना नहीं चाहती? तभी जी अपने बैग से गिफ्ट निकाल कर देती है। जाशु कहता है, ये मेरे लिए? वो उसमें अपने लिए नेक टाई देखता है। जाशु कहता है, मतलब तुम्हें मैं याद हूँ, आई लव योर गिफ्ट, थैंक यू। तभी जाशु के पास कॉल आता है, वो चला जाता है। जी कुछ पैसे जाशु के पर्स में रख देती है। फाइनली जी की जाने की फ्लाइट का टाइम आ जाता है। जाशु समझाता है, घर जाके अपने पेरेंट्स की सुनना और अपनी स्टडी में, इन सब की वजह से इफेक्ट मत होना, ओके? जी कहती है, आपको कहने की अब कोई जरूरत नहीं। जाशु कहता है, मतलब? जी मन में कहती है, आपकी तो अब गर्लफ्रेंड है, ये सब कहने की अब क्या जरूरत है। वो अपने बैग से वही सॉफ्ट टॉय उसे देती है जो जाशु ने उसको जीत के दिया था। जी कहती है, ये आपके लिए, मैं आपको गुड लक की विशेष देती हूँ। जाशु कहता है, तुम्हें भी खुश रहना चाहिए। फाइनली जी चली जाती है। जाशु के साथ बिताए हुए सभी फ्लैशबैक उसे याद आते हैं, जिसे वो चेरिश करना चाहती थी, बट उसे लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। वो उसे वही छोड़कर चली जाती है। जी की जिंदगी में सब बदल जाता है, वो जाशु से अलग हो रही होती है। यहाँ जी फाइनली एयरपोर्ट पहुँचती है, तभी यान उसे आवाज लगाता है। जी उसके पास जाकर फूट फूट कर रोती है और यान के गले लग जाती है। यान उसे संभालता है और प्यार से सहलाता है। जैसे ही वो लोग घर लौटते हैं, मदर और फादर अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। मदर कहती है, इतने कम कपड़े क्यों पहने हैं, जाओ चेंज करके डिनर के लिए नीचे आ जाओ। यान कहता है, जाओ ऊपर, सब ठीक हो जाएगा। जी अपने पेरेंट्स को देखती है, बट उसके पेरेंट्स उसे कुछ नहीं कहते और वो ऊपर चली जाती है। जी अपने रूम में पहुंचती है। एपिसोड के एंड से पहले एपिलॉग दिखाया जाता है, जिसमें यान उसे समझा कर कहता है, तुम्हें पता है हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो गई थी, तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए था, ना कि प्यार पे, अगर कुछ गलत हो जाता तो। जी मन में सोचती है, कोई ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर नहीं है, मुझे उससे बस एक चीज पूछनी थी, क्या उसे हमारा प्रॉमिस याद भी है? तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।